हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यंत्र। ठीक है, यंत्र का 15 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे ऐसे आ सकता है कि यंत्र की संख्या, प्रमाण, गुण, दोष, कर्म या उनके प्रकार लिखते हुए पायना विधि का वर्णन करें, या फिर यही आ सकता है कि संख्या, प्रमाण, गुण, दोष या कर्म का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यंत्र की संख्या कितनी है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं यंत्रम यंत्र शतम एकोत्तरम। शतम यानी 100 है और एकोत्तर यानी एक ज्यादा यानी 101, 101 यंत्र बताए आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, फिर इनके प्रकार है तानी षट प्रकारानी। कितने टाइप्स के होते हैं यंत्र? 6 प्रकार के। कौन कौन से? तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणी, पहला है स्वस्तिक यंत्र, फिर है संदंश यंत्र। पहले SS वाले आएंगे, स्वस्तिक यंत्राणी, संदंश यंत्राणी, ताल यंत्राणी, नाड़ी यंत्राणी, शलाका यंत्राणी, उप यंत्राणी च इति। देखो, अगर आप इसको वैसे याद करते हो, अगर यूं सोचो कि श्लोक नहीं याद करना, तो वैसे भी नाम याद करने पड़ेंगे, तो बस उनके पीछे ये यंत्राणी लगाना है, स्वस्तिक यंत्राणी, संदंश यंत्राणी, ताल यंत्राणी, नाड़ी यंत्राणी, शलाका यंत्राणी, उप यंत्राणी च इति। ठीक है, इससे थोड़ा जो आप लिखोगे आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी लगती है अगर आप श्लोक में लिखते हो तो। ठीक है, तो ये हो गए 6 प्रकार के यंत्र। अब ये 101 होते हैं टोटल, लेकिन इनके टाइप्स हैं 6। ठीक है, तो अब कौन कौन से कितने होते हैं, ये एक श्लोक है। श्लोक मोस्टली सब अवॉइड करते कि नहीं याद होगा इस तरीके से, तो मैंने इसको अलग फॉर्म से लिखे कि अगर आपको स्वस्तिक यंत्राणी यानी स्वस्तिक यंत्र पता हो कितने हैं, चतुर्विंशति यानी 24 होते हैं स्वस्तिक यंत्र। संदंश यंत्राणी, संदंश कितने होते हैं? द्वे, दो होते हैं। ताल यंत्र कितने होते हैं? दो। और विंशतिर नाड्या, नाड़ियां कितने होती हैं? जो नाड़ी यंत्र होती हैं 20। अष्ट विंशति शलाका, जो शलाका है होती है अष्ट विंशति मतलब 28। और पंच विंशति उप यंत्राणी यानी 25। तो अगर आप इसको जैसे एग्जाम में लिख के आते हो तो आप इसको ऐसे नहीं लिख के आओगे, तत्तर चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणी, इसके आगे लिखना है आपने द्वे संदंश यंत्रे, द्वे ताल यंत्रे, विंशतिर नाड्या, अष्ट विंशति शलाका और पंच विंशतिर उप यंत्राणी। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए कि आपको बड़ा ऐसे इसको देखोगे तो ये लगेगा श्लोक याद नहीं होगा, तो आपको संदंश यंत्र दो होते हैं तो इसको द्वे लिखना है बस, द्वे संदंश यंत्राणी, द्वे ताल यंत्रे, विंशतिर नाड्या। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो यंत्र है उसका इंट्रोडक्शन, की उसकी संख्या कितनी है, प्रकार कितने हैं और हर टाइप कितने कितने मतलब उसकी संख्या होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रमाण। स्वस्तिक यंत्र के लिए बोला है कि जो प्रशस्त जो स्वस्तिक यंत्र है वो होता है 18 अंगुल प्रमाण का। ठीक है, संदंश यंत्र के लिए बोला है कि होता है 16 अंगुल प्रमाण, और ताल यंत्र के लिए बोला है 12 अंगुल प्रमाण। ठीक है, और नाड़ी यंत्र के लिए बोला है कि जो श्रोतस है ना उनके आकार के अकॉर्डिंग जो वो दीर्घ होनी चाहिए, वो जिस भी श्रोतस में प्रयोग करना है उसके अकॉर्डिंग लंबाई वगैरह होनी चाहिए। शलाका के लिए बोला है यथा योग परिणहा दीर्घाणी, जिस भी जगह पे आप यूज करें शलाका को उसके अकॉर्डिंग इसकी दीर्घ वो होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेन तो जो ये है इन तीनों की है 18, 16 और 12 अंगुल में, और जो नाड़ी यंत्र और शलाका है कि जिस भी श्रोतस में आप प्रयोग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर बताते हैं कि जो प्रशस्त जो यंत्र है वो कैसा होना चाहिए, 18 अंगुल लंबा, 18 अंगुल लंबा हो और दोष रहित होना चाहिए। ठीक है, ये बोले। फिर मैं आपको यहीं पे इनके जैसे एग्जांपल अभी हमने पढ़े थे, सॉरी संख्या पढ़ी थी कि जो स्वस्तिक यंत्र है वो कितने होते हैं, संदंश यंत्र कितने होते हैं, ये तो आप जैसे अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो आप उसके कुछ एग्जांपल लिख देना, जैसे कि स्वस्तिक यंत्र है, स्वस्तिक यंत्र के एग्जांपल जैसे कंकमुख, काकमुख, सिंहमुख, मार्जर, द्वीपीमुख, ये सारे क्या हैं स्वस्तिक यंत्र के। जो स्वस्तिक यंत्र हैं
ये मेनली जो पक्षी या पशु होते थे ना, हिंसक पशु, उनकी आकृति जैसे बनाते होते थे उनके मुख की आकृति के अकॉर्डिंग, तो उसी के नाम पे इनका नाम लिखा जाता था, जैसे सिंह मुख, कंक मुख, काक मुख, मार्जर मुख, नंदी मुख, ठीक है। योगे स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र हमारे हमने पढ़े कि दो होते हैं, कौन से, स निग्रह और अनिग्रह। फिर आता है ताल यंत्र, ताल यंत्र भी दो प्रकार के पढ़े थे हमने, एक ताल और द्विताल, ठीक है। फिर नाड़ी पढ़ी थी हमने 20, विंशतिर नाड्या, तो इसमें जो नाड़ी है वो कौन सी हो सकती है, जैसे सनिरुद्ध गुद यंत्र है, अलापु यंत्र है, श्रृंग है, निरुद्ध प्रकश यंत्र है, बगंदर यंत्र है, अर्शो यंत्र है, उत्तर वस्ती यंत्र, जो धूम है, वो सारे आएंगे नाड़ी यंत्र में। फिर आते हैं शलाका, शलाका हमने पढ़ी थी 28, अष्टविंशति, ठीक है। जो शलाका है उसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, जैसे मूत्र मार्ग शोधन शलाका होती है, अंजन शलाका होती है, गंडू पद मुखी, मसूर दाल के समान, सर्प फण मुखी होती है, बडिश मुखी होती है, ठीक है। तो आप इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे ये दो ही है तो ये पूरे लिखने हैं, ठीक है। तो ये संख्या हो गया, एक उनका प्रमाण हो गया, ठीक है, और उनके जो भी टाइप्स हैं उनके फर्दर कितनी संख्या, वो सारा हमने पढ़ा। फिर अब हम पढ़ते हैं यंत्र के गुण, जो यंत्र है उसके गुण क्या है, समहितानी यंत्राणी, खर्ष लक्षण मुखानी च, सुदृढ़ानी सुरूपाणी सुग्रहणी च कार्य, ठीक है। इसके जो गुण है वो क्या है, समहितानी, समहित होने चाहिए, मतलब सम प्रमाण में होने चाहिए, जो भी शास्त्र में उसका प्रमाण बोला है, जैसे स्वस्ति के अंदर 18 अंगुल के बोले हैं, तो वो उस प्रमाण के अकॉर्डिंग होने चाहिए, खर होने चाहिए, सलक्षण मुख वाले होने चाहिए, सुदृढ़ानी सुरूपाणी और सुग्रहणी, सुदृढ़ दृढ़ होने चाहिए, स्ट्रांग हो, सुरूपाणी देखने में भी अच्छे हो, और सुग्रहणी यानी जब हम उनको पकड़े, उनको किसी भी एरिया में अप्लाई करें या फिर उनसे कुछ भी करने की कोशिश करें, तो उस टाइम हमारे जो ग्रहण है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। यंत्र तो सुदृढ़ानी सुरूपाणी सुग्रहणी च कार्य, ठीक है। तो ये हो गए यंत्र के 6 गुण, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम दोष, दोष होते हैं 12, कौन से, तत्र अति स्थूलम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, आप इसको 12 के 12 आपको कैसे याद होंगे कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या तो वो ज्यादा स्थूल यानी ज्यादा थिक है, तो अति स्थूलम, असारम, बिल्कुल सारी नहीं है कुछ, मतलब बिल्कुल थिन है, ये अति स्थूल का अपोजिट है असार, अति स्थूलम असारम, अति दीर्घ लंबाई ज्यादा होगी, तो जैसे अगर आपको एकदम वो ज्यादा डीप चला जाएगा तो अति दीर्घम, अति हर्ष होगा तो जहां तक आप उसको यंत्र को अपने इंस्ट्रूमेंट को पहचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगा, अति हर्ष हो, अग्राही और विषम ग्राही, ग्रहण होगा ही नहीं, आप उसको अच्छे से पकड़ ही नहीं पाओगे, और विषम ग्राही पकड़ोगे भी तो ढंग से कोई चीज को वो ग्रैप नहीं करेगा, ठीक है। और वक्रम, वक्र मतलब होगा टेढ़ा, शिथिल होगा, अत्य उन्नतम मतलब ज्यादा ही उन्नत हुआ होगा तो। और फिर आते हैं मृदु कीलम, जो उसके स्क्रू वगैरह है वो मृदु होंगे, ढीले हुए होंगे, मृदु कीलम, मृदु मुखम, मृदु पाशम, इति द्वादश यंत्र दोष, यानी जो यंत्र के दोष हैं वो होते हैं 12, यंत्र के गुण हमने पढ़े 6। तो इस तरह हमने संख्या प्रमाण गुण दोष पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं यंत्र के कर्म। यंत्र के कर्म होते हैं 24, ठीक है। कौन से, यंत्र कर्माणी तु निर्घातन, निर्घातन क्या होता है, शेकिंग एंड देन पुलिंग ऑफ द शल्य, निर्घातन, पूर्ण मतलब उस एरिया को फिल करना, बंधन बाइंड करना, व्यूहन, ठीक है, व्यूहन मतलब रिट्रैक्ट करना उसको, वर्तन क्या है, अप्रोक्सीमेट करना वर्तन, चालन उस चीज को डिस्प्लेस या शिफ्ट करने का काम भी करता है यंत्र, विवर्तन और विवरण, ठीक है, मतलब रोटेशन कराना, विवर्तन और विवरण क्या होता है, उसको डायलेट करना किसी एरिया को, पीड़न होता है उसको स्क्वीज करना, पीड़न करना, मार्ग विशोधन करना मतलब जो पैसेज उसको क्लीन करना, विकर्षण, आहरण,
आंचन उन्मन, उन्मन होता है उस एरिया को एलिवेट करना, विनमन होता है किसी एरिया को डिप्रेस करना, भंजन किसी चीज को तोड़ने का काम, मंथन चर्निंग मूवमेंट, चूषण एशन, दारण रजुकरण मतलब स्ट्रेट करना, प्रक्षालन प्रथमन प्रमार्जनानी चतुर्विंशति। यानी यंत्र के कर्म कितने होते हैं 24। इसको देख के आपको डरना नहीं है, आप ये जो श्लोक है जैसे आपको लिखवाया हो गया, अब आप वीडियो देखते हो तो इसको बार बार अगर आप रिपीट पे ऐसे देखोगे या इसको लिख लीजिए कहीं, तो बार बार अगर आप इस श्लोक को देखोगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, क्योंकि आप ये 24 जो नाम है इनको लिखने की बजाय अगर आप श्लोक में इसको लिखते हो तो इफेक्टिव होता है। और वो फिर हिंदी वगैरह कोई ऐसे नहीं देखता, अगर आपने श्लोक लिखा है तो उसका अच्छा इफेक्ट होता है, मार्क्स भी उसी हिसाब से आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो यंत्र आता है क्वेश्चन, जैसे संख्या प्रमाण गुण दोष कर्म, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। लेकिन इसके अलावा जैसे स्वस्तिक यंत्र है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि जो ये काम तो हर कोई यंत्र करेगा कि निर्घातन पूर्ण बंधन, लेकिन जो स्वस्तिक यंत्र है उसका स्पेसिफिक कर्म क्या होता है, जैसे अस्थि में जो शल्य फंसा हुआ है यानी अस्थिगत शल्य के उदाहरणार्थ यानी उसको निकालने के लिए स्वस्तिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है संदंश यंत्र। ठीक है, संदंश यंत्र में क्या है, जो त्वक मांस सिरा स्नायु इनमें जो शल्य है कोई भी उसको निकालने का काम संदंश यंत्र का होता है। फिर आता है ताल यंत्र। ताल यंत्र में क्या है कि कर्ण हो गया, नासा या नाड़ी, कर्ण नासा या फिर नाड़ी है, अगर उसमें कोई भी शल्य है तो उसको निकालने का काम ताल यंत्र का होता है। फिर आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र क्या, इसके अनेक कर्म होते हैं, मतलब अनेक प्रकार नानी अनेक प्रयोजनानी, अनेक प्रकार की होती है और अनेक इसके प्रयोजन होते हैं। क्या प्रयोजन होते हैं, जैसे अगर श्रोत्रों में कोई शल्य है उसको देखने का काम, उसको सॉरी निकालने का काम, जो श्रोतों का शल्य है उसको निकालने का काम, रोगों का दर्शन कराने के लिए यानी अगर आपको कोई डिजीज में इंस्पेक्शन करनी है तो उसको दिखाने का काम नाड़ी यंत्र का होता है, आचूषण के लिए और क्रिया अन्य क्रियाओं को आसान बनाने के लिए जो है वो नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हमारे शलाका यंत्र। शलाका यंत्र भी नाना प्रकार नानी नाना प्रयोजनानी वर्ड आते हैं इनके लिए, कि ये जो है वो श्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए भी शार या अग्नि कर्म कोई कराना चाहता है तो शलाका की हेल्प से करेगा, अंजन लगाने में शलाका का प्रयोग होता है, मूत्र मार्ग के शोधन के लिए, चूषण के लिए, एशन के लिए, ठीक है शलाका सॉरी चूषण नहीं एशन के लिए जो है वो शलाका का प्रयोग होता है। फिर आते हैं हमारे उपयंत्र। ठीक है, उपयंत्र क्या है कि सर्व जो सर्व शरीर में चाहे कोष्ठ हो चाहे धमनियां हो इनका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है उपयंत्र का। ठीक है, तो हमें क्या हुआ था कि हमारे क्वेश्चन आ गया था कि जैसे जो यंत्र हैं ये तो सब याद करेंगे कि कितने हैं क्या कर्म है क्या करेंगे, लेकिन हमारे को जो है वो शस्त्र के साथ साथ पूछ के उपयंत्र या फिर उपशस्त्र भी आपको अलग से आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम उपयंत्र पढ़ते हैं। उपयंत्र होते हैं 25। ठीक है, तो मैंने इनकी अलग से कैटेगरी बनाई है, जैसे रस्सी वेणी पट चर्म और वस्त्र। ठीक है, ये अलग कर लेना। शाखा लता और अंतवलकल जो ये है, ये जो पेड़ है ट्री उसके पार्ट है। फिर ये अंगुली जीवा दंत मुख नख बाल और पानी तल। ठीक है, फिर आता है अग्नि शार और भैषज, अयस्कांत अश्वकंटक मुद्गर और अष्टिलाश्म, ये अलग है, हर्ष प्रवाहन और स्टीवन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 उपयंत्र। इसमें जो अंगुली है नख बाल अग्नि और शार, ये जो स्टार लगे हैं अग्नि शार अंगुली नख और बाल, ये दोनों उपयंत्र भी होते हैं और अनुशस्त्र भी होते हैं। तो वायवा में ऐसा पूछ सकते हैं कि अंगुली नख बाल अग्नि और शार जो है वो
ये दोनों है, उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है, ठीक है। इनके गुण दोष ये जो संख्या है जरूर याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि शस्त्र और यंत्र में कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखने के लिए जैसे यंत्र हम ये लिखते हैं तो ये क्या है, सिक्स की तरह बन रहा है, तो ये इसके गुण है और इसके जस्ट डबल होते हैं इसके दोष, 12 गुण है 6 और दोष होते हैं 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यंत्र, थैंक यू।